and with this we are moving forward for the another speech that is by mufti abdul majid saab the director shahid junior college hyderabad over to you sir. anas azza walahu ta'ala anu farmate hain khidmatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sanina maine janab rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki 10 saal khidmat ki kabhi aapne uff nahi kaha kabhi aapne ye Kyun, nahi kiya balki bhi nahi farmaya allahu akbar aise musfeeq aise तो इदारे हैं ये पूरे इदारे हैं नौजवानों को करीब करिए कोई डायरेक्टर कोई प्रिंसिपल कोई इदारे के महतम से बच्चा करीब हो अपने अंदर की बात रख दे ये ज़रूरत है कुछ हो गया कोई बात नहीं जाने दो अब आगे क्या करेंगे आगे कोई बात नहीं हाँ देखिए एक बड़ी गलती होने पर आप उसको छीखे कुछ नजरअंदाज कर दिए देखो वो बच्चा कितना करीब हो जाता है आपके ये ज़रूरत है नौजवानों को दूसरी बात इदारों का आपस में ताउन दीनी इदारे हो यहाँ तक कि मकातिब हो मसाजिद हो मदारिस हो स्कूल हो आपस में ताउन जो इखतलाफी है अख्तिलाफी मीटिंग्स के अंदर अख्तलाफ हो मीटिंग्स के अंदर तनकीद हो, होनी चाहिए डिस्कशंस होनी चाहिए लेकिन अवा के सामने प्लेटफॉर्म में बच्चों के सामने तावुन। क्या ताउन हो सकता है उनके साथ हो होदारे मिलकर ऐसे ऐसे रिवाज है जिस दिन से जिनकी वजह से न दुनिया का फायदा ना आखिरत के फ़ायदा इसमें उम्मत उम्मत का माल उम्मत की जान उम्मत की सलाहियतें सर्फ हो रही है जरूरत इस बात की है कि इदारे मिलकर एक से नहीं होता डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब फरमा रहे थे चंद दिन पहले इदारे मिलकर हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें निकाह को आसान करें मीराज को तकसीम करने का पर्दे का और पढ़ाने का हम ये हम इस पर सोच रहे हैं कि कितने बच्चे मदरसे में हैं कितने बच्चे स्कूल्स आ रहे हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स भी नहीं आ रहे हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स आने के बावजूद भी या कॉलेजेस आने के बावजूद भी उनको नहीं मालूम आगे करना क्या है पेरेंट्स को भी नहीं मालूम आगे साम में बैठते हैं क्या ये कर सकते क्या क्या वो कर सकते नहीं मालूम क्या करना अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनाकिद करें माल का मशरफ शादी ब्याह नहीं है घर बनाना नहीं है लिबास नहीं है उम्मत का माल हम बोल रहे हैं कोविड है ऐसी हालात है सब परेशान है अफसोस की बात होते अफसोस इसके बावजूद भी शादी खानों के क्या हालात है अल्लाह ना कर हमारे आमाल, हमारे आमाल तो ऐसे थे कोविड तो दूर के बाद कब जमीन धसा दे हमको कब आसमान टूट पड़े हमारे अमाल तो ऐसे है इदारे मिलकर जिम्मेदारान मिलकर कि उम्मत का माल कहाँ सर्फ हो रहा है उमत का वक्त कहाँ सर्फ हो रहा सलाहियतें कहाँ सर्फ हो रही है इधारे मिलकर दरख्वास्तारे मिलकर इस पर काम करें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मिलकर कर मिलकर करने से काम आसानी से हो जाता है रिपीटेशन से भी बचते एक दरख्वास्त और फिर सबसे अहम बात इंटीग्रेशन स्कूल का असरी तलीम शर्यी तालीम के बारे में बात आई है 1975 में जहाँ पर जिस मदरसे में हमारी तालीम हुई दारालम्बरी मैनचेस्टर के करीब हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहब हज़रत शेख जकरिया साहब नवरु मरकद के मशवरे से वहाँ पर गए थे इंग्लैंड तो 1975 और उस दफा में हजरत शेख का सफ़र हुआ एटी एटी वन में दो दफ़ा सफ़र हुआ उस, उस हजरत ने फरमाया था मदरसे के तलबा को यूनिवर्सिटीज़ भेजो बहुत से उलेमा ने मुखालिफत की हजरत ने जवाब नहीं दिया हजरत ने जवाब नहीं दिया हम बोलते हैं कि असली तालीम में फ़र्क़ नहीं दीनी तालीम में फ़र्क नहीं अल्लाह अकबर जब हम टाइम टेबल बनाते हैं पेट में कभी कभी हमेशा नहीं कभी कभी टाइम टेबल बनाने से पहले ये कोशिश करते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू कर कर गुस्ल कर कर दो रकात नमाज़ पढ़ कर बुखारी शरीफ़ में एक एक हदीस जमा फरमाई तो उम्मत को इतना फ़ायदा हो रहा है जब हम टाइम टेबल बना रहे हैं उम्मत को फ़ायदे के लिए दो रकात नमाज़ पढ़कर कम अज़ कम टाइम टेबल बनाया जाए या अल्लाह ये टाइम टेबल बना रहे नीट का बना रहे रहेमेंट्स का बना रहे या अल्लाह हमारे शर से उम्मत की हिफाजत फरमा इसके अंदर बच्चों का कोई नुकसान है तो उसको ख़त्म उसको बदल कर या अल्लाह इसमें क्या बोलते हैं उनके लिए फ़ायदा उसके लिए उनमें फ़ायदा पैदा फरमा अल्लाह से मांगे तो 1975 में बहुत से लोगों ने मुखालिफत की इतना दर्द हो हज़रत को अपने लोगों ने भी मुखालिफत की कुछ नहीं बताया लगे रहे दुआ करते रहे अब ये माहौल अलहमदिल्ला जिससे हमने बुखारी शरीफ़ पढ़ी जिससे हमने स्या सिता पढ़ी वो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी है हाँ यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के अतबार से यू के ऐसे बड़े पोस्ट पर हैं कि एक हमारे उस्ताद है माल है उनको दूसरे मुल्क सेमिनार्स के लिए और मीटिंग्स के लिए भेज भेजा जाता है ऑडियो ये एक इंस्ट्रूमेंट के सिलसिले में ये लेवल पर पहुंचे अभी मदरसे में आ रहे हैं वही दो जानू होकर बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं तिरमिजी शरीफ पढ़ा है शामिल तिरमिजी पढ़ा रहे हैं मिजाज बना है तो ये मिजाज कैसे बना अच्छा के लिए ये बात दरखास्त इससे ये बात नहीं समझे कि मदारी से उलमा को छीन लेना मकसद है नहीं नहीं एक माश के लिए हो एक महात के लिए हो जब उलमा आगे बढ़ेंगे याद रखिए अल्लाह सुबहान मोता ने ये सलाहियतें दी है ये सलाहियतें दी है हर हर इदारे में और हर पोजीशन पर आगे जाएंगे कई कई आते हैं शाहीन में या जिस इदारे में भी जाते हैं नहीं शाहीन में की कदर नहीं वफात की कदर नहीं आप बात आप बर्दाश्त का मादा पैदा करिए फिर अवामन्नास क्या बोलते अरे वफात सारे ऐसे होते हैं सारे ऐसे होते नहीं नहीं अब चूँक मेरा ताल्लुक़ मदरसे से भी है और स्कूल यूनिवर्सिटी से भी है पेड़ भी हमारी पेड़ भी हमारा इनकी भी सुनना इनकी भी सुनना ये भी हमारे हैं वो भी हमारे हाँ चलो कुछ नहीं है देखिए अगर मस्जिद की सतह पर इल्म की तकसीम हो मस्जिद की सतह पर ऊलमा हम यूके में देखें हैं फजर की नमाज़ पढ़ाते हैं उसके बाद तफसीर का दर्ज होता है फिर आठ बजे यूनिवर्सिटी चले जाते हैं आईटी कंपनी चले जाते हैं बड़ बड़े बड़े कंपनीज जाते हैं जोहर जोहर असर की नमाज क्या करते हैं मोहन साहब जो होते हैं वो नमाज़ पढ़ाते सिर रही होती है मगरबी शाम मगरब से पहले पहुंच जाते हैं जुमे में इजाज़त लेकर आते हैं कि जुमे के दिन जुमा पढ़ाना है अब याद रखिए अगर ऐसे इमाम होंगे कमेटी के मोहताज नहीं होंगे कमेटी वाले क्या करते हैं मस्जिद काबू में क्यों नहीं हमारी मस्जिद पर मालदार या फिर वो लोग जिसको जिनके पास शरीत के इल्म नहीं है वो लोग वहाँ बैठ गए तो क्या हो रहा मस्जिद सही इस्तेमाल नहीं हो रही हालांकि मस्ाजिद दर्जगाहें भी है कैदियों को भी लाया जाता था तरबियत गाहें भी है तमाम चीज़ मस्जिद की सतह पर हो और याद रखिए फर्दन फर्दन मेहनत नहीं होगी एक एक फ़र्द पर और घर घर मेहनत नहीं होगी अमूमी तौर पर इल्म की तकसीम तकसीमू तौर पर जहालत उम्मत के अंदर से दूर नहीं होगी चाहे असरी इल्म का ले लीजिए या चाहे मदरसे के इल्म का ले लीजिए नहीं हो सकती क्योंकि कितने आते हैं आने के बाद कितने हमारे पास सुनते हैं ये है तो जिन हजार से हमने पढ़ा और भी वहाँ का माहौल मस्जिद के अंदर इमाम भी है खतीब भी है जब ये इमामों इमामों का पोजीशन हो गया वो बोलेंगे भाई हम तो ये नहीं कह रहे कि मुआवजा लेने वाले बात है वो लेते हैं लेकिन असल उनकी आमदनी उनका माश आम आम का जरिया कुछ और है तो मैनेजमेंट कमेटी को भी मालूम रहता है कि अगर हमको निकाल दे कहीं और चले जाएंगे वो अपनी बात ज़ोर से रख सकते हैं बात की अहमियत की बात उनकी बात की अहमियत की जाती है इम्पोर्टेंस दी जाती है इस ज़रिए से माशरे के अंदर ये मिजाज बनाया जाए और ये एक से नहीं हज़ारों जितने इदारे हैं आपस में मिल कर अल्लाह से मांग कर और एक आखिरी बात माशाल्लाह जितने कर रहे अल्लाह मेहनत कबूल फरमाए कि ये डरते रहना भी चाहिए एक रिवायत है अभी जहन से चले गई अल्लाह अल्लाह सुबहदाजी फाजिर कभी अल्लाह सुबैन व ताली इस दीन की तइद फाजिर आदमी से भी कर लेता है हम ये नहीं समझना चाहिए इदारे वाले काम कर रहे हैं आखिरी दम तक अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए कबूलियत और कामयाबी जब होगी जब इस दुनिया से अपने अतबार से कुछ लेकर जाएंगे और आने वाली नस्ल के लिए कुछ छोड़ कर जाएंगे अल्लाह अल्लान तमाम हजरात को जजायक़र रत फ़रमाए खूस तो इदारे वालों को इंतज़ामी उमर को जिस तरीके से ये मुनद किए हैं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर इलाके में ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है व आखिर अल्हमदिल्ल आलमीन